रूस की राजधानी मॉस्को में टीवीएन भारतवर्ष की टीम लगातार मौजूद है, जहां से पल पल की खबरें हमारे संवाददाता भेज रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस को क्रीमिया पर हमले का डर सताने लगा है, इसलिए मॉस्को का संपर्क लगातार क्रीमिया से बना हुआ है। क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल में गवर्नर ऑफिस से आप देखिए टीवीएन भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा की यह खास रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष की टीम क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल में मौजूद है। आज रूस और यूक्रेन के बीच जो बीते 8 महीने से जंग चल रही है, उसके मूल में यही जगह है। जी हाँ, यही जगह जो 2014 में यूक्रेन से अलग होकर रूस में मिल गया था, इसी जगह से प्रेरणा मिली है डोनबास के उन 4 इलाकों को जो अब रूस का हिस्सा बन गए हैं। इसी जगह पर रणनीति बनती है और मॉस्को को लगातार अपडेट किया जाता है क्रीमिया के बारे में, क्रीमिया के आसपास के डोनबास के इलाके के बारे में ही। और इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये लेनिन की मूर्ति है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अक्टूबर क्रांति की याद में सिम्फेरोपोल में इस स्टेचू को यहाँ पर लगाया गया था। और ये एक संयोग की बात है कि टीवी9 की टीम भी अभी अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर क्रीमिया के प्रमुख सरगेई ऑक्सिनोव अपने सलाहकारों के साथ बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, पुतिन से बात करते हैं और सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि क्रीमिया की रक्षा कैसे की जाए, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि क्रीमिया पर कोई हमला नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो पुतिन परमाणु बम चला देंगे, और पुतिन की भी मजबूरी है कि अगर उन्होंने क्रीमिया को नहीं बचाया तो डोनबास के वो 4 राज्य भी पुतिन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, सिम्फेरोपोल, क्रीमिया। और वहीं क्रीमिया के स्थानीय नेता रूस के साथ खुद को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसी पर आप देखिए क्रीमिया की राजधानी से मनीष झा की ये खास रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष की टीम जिस वक्त यहाँ सिम्फेरोपोल में मौजूद है, और ठीक उसी समय हमने देखा कि ये देखिए क्रीमिया के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर लेनिन की मूर्ति के सामने यहाँ किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए इस वक्त में जिस समय रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, इस वक्त में जब क्रीमिया को लेकर, क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर बहुत तनाव व्याप्त है, वैसे समय में आप देखिए कि यहाँ पर लेनिन की मूर्ति के सामने जिस तरीके से यहाँ क्रीमिया के स्थानीय नेता जुटे हैं, दरअसल यही अपने आप में बताता है कि रूस और क्रीमिया के बीच में किस तरह का आत्मीय संबंध है, राजनीतिक संबंध है। और यही बात यूक्रेन या फिर यूरोपीय देशों के आँखों में खटकती है जब वो देखते हैं कि यूक्रेन का एक भाग रहा क्रीमिया अब कैसे रूस के साथ एकाकार हो गया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी9 के कैमरे पर, वो ना सिर्फ एक्सक्लूसिव है बल्कि इस तस्वीरों के माध्यम से आप क्रीमिया की फिज़ा को, क्रीमिया के उस राजनीतिक वातावरण को समझिए। और इस क्राइसिस के दरमियान भी जिस तरीके से ये लोग रूस के साथ, रूस की विचारधारा के साथ, लेनिन के साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं, यही बताने के लिए काफ़ी है कि क्रीमिया की जो राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट है वो क्रीमिया के बारे में, रूस के बारे में क्या कुछ सोचती है। और निश्चित तौर पर इस तरह के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इसका एक बड़ा मकसद संदेश देना है यूक्रेन को भी, नाटो देशों को भी, कि क्रीमिया हर हालत में रूस के साथ रहेगा। और टीवी9 भारतवर्ष आपको ये खबर ठीक क्रीमिया के मुख्य केंद्र से दे रहा है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, सिम्फेरोपोल, क्रीमिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।